पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस बैसाखी पर खड़ी है। भाजपा की आंधी देख कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी ने रण छोड़ दिया है। वे स्वयं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उसे प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन में सिंगरौली जिले के महुआ गांव में चुनावी सभा की। सभा में शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस बैसाखी पर खड़ी है। भाजपा की आंधी देख कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रण छोड़ दिया है। कांग्रेस ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, भव्य राम मंदिर का विरोध किया और उसके लोकार्पण में नहीं आए। धारा 370 लगाकर देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया। देश का बंटवारा कांग्रेस की सरकारों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भाजपा जीत रही है। उनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय आरोप लगाने के लिए। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारी अंतर से चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का बात। कांग्रेस को कुछ भी कह दे वो तो ये भी कह दे कि सूरज और चंद्रमा ही नहीं होंगे, उनका क्या कहना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।